पहले प्रभु राम से आशीर्वाद तो लें। करेलू करेलू घुस गई आपके केरना 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 में पलायन हुआ था, आपको पता है उत्तर प्रदेश में। उस पलायन के कारण जो वो थे माननीय अखिलेश जी की सरकार ऐसी उल्टी हुई कि अभी तक नंबर नहीं आया। अब वो पलायन केरना से पहुंच गया करौली। इस उग्रवाद के बाद, इस घटना के बाद, इस उपद्रव के बाद म्यूनिसिपल सिटी में जिला मुख्यालय पर लोग पलायन कर जाएं और ये गहलोत सरकार उनको भयमुक्त नहीं कर सके, ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो कैराना में परिवर्तन हुआ कैराना के कारण पलायन में, अब करौली में जो पलायन हुआ है ये कांग्रेस को पलायन का मौका दे देगी। जनता जाओ पधारो आप भी। ये देखो विरोध में, विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तारी, जेल जाना, लाठी चलना, गोली चलना, ये रूटीन की बातें हैं। तो कोई गिरफ्तार करना कोई ऐसी बात नहीं, हम तो रोज गिरफ्तार होते आए। जनसंघ से समय हमको संस्कार ये दिया है, गिरफ्तारी से मत डरो, जेल से मत डरो, लाठीचार्ज से मत डरो, गोली से मत डरो और जनता की अधिकारों की रक्षा करो, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। सूर्य जी ने कहा है कि जंगल राज चल रहा है, ये तो सर्वविदित है, चाहूँ और हाहाकार मचा हुआ है। बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण होकर उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और ये करौली की घटना आपके सामने है ही। जेएन पिटाई बाड़ी वहाँ आपके पास है ही, उसके हड्डियाँ तोड़ दी। मुख्यमंत्री कह रहा है 22 जगह नहीं टूटी, 6 जगह टूटी है, तो टूटी तो है, उनको तो अपराधियों को तो पकड़ो, पकड़ेंगे। आप भी जाके आए थे करौली, सुंदरा जी भी कल गई थी, जिस तरह से राजनीति चल रही है। हम तो इसलिए गए थे, पार्टी का निर्देश था, वो सुंदरा जी भी इसलिए गई थी और उससे पहले एक कमेटी गई थी और वहाँ इतना भय पैदा कर रखा पुलिस ने, विशेषकर हिंदू पक्ष में, कि उनको निर्दोषों को पकड़ रही है और मुख्य अपराधी मतबूल अहमद अब तक नहीं पकड़ा गया। तो जाने से हम तो पार्टी जा रही तो अमन चैन शांति कायम हो, भाईचारा बढ़े, सद्भावना बनी रहे, समरसता बनी रहे और अपराधी कोई बचे नहीं, निर्दोष कोई गिरफ्तार हो नहीं और जो पलायन कर गए उनको बसाया जाए। सर कांग्रेस आरोप लगाएगी कि ईस्टर्न केरला प्रोजेक्ट को लेकर धार्मिक प्रचार किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आरोप लगाएंगे। देखो ऐसा है, मैं बताऊं, अब पता नहीं कैसे ज़्यादा चिंता करने लगी है कांग्रेस सीआरसीपी की। 70 साल के राज में देश की आज़ादी से लेकर अब तक तो प्रोजेक्ट भेजा नहीं, भेजा तो भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी ने भेजा ना, तो जिन्होंने भेजा है वो पार्टी पानी लाएगी। इन्होंने तो प्यासा मार दिया, प्यास ही मर रहे हैं अभी दौसा के, और मैं 16 तारीख को आ रहा हूँ, मटका फोड़ो आंदोलन करूँगा, पानी यहाँ तो दे दो पहले।